Hello everyone, myself Bhavini teacher and today subject is English. First of all, हम क्या करने वाले हैं English की notebook में हम word read करके picture draw करेंगे. Okay? Read the word and draw the picture. So, let's see. मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ कि हमें drawing को क्यों करना है. ड्राइंग करने से हमारी पेंसिल की जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छे से बन जाती है और फिर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आता. सो स्टार्ट करें ना. फर्स्ट वर्ड, विच वर्ड इज दिस? रीड विथ मी. पी ई एन, पेन. पी ई एन, पेन. और याद रहे बच्चों, हमें पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. ओके, टीचर पेन से ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन बच्चों आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ मी. फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे? पेन ड्रॉ करेंगे. ओके, ऐसे हमें बना देना है जैसे टीचर ने किया है. ओके, देन ड्रॉ द स्लैंटिंग लाइन. ओके, ड्रॉ किया आपने. देन छोटा सा ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर देंगे दोनों को जोड़ते हुए. फिर उसके बाद वापस हम स्लैंटिंग लाइन में ड्रॉ कर देंगे वही साइड पे ऐसे. फिर इसको क्लोज कर देंगे. फिर इसके ऊपर एक और कर्व बनाएंगे, इसके ऊपर स्मॉल कर्व बनाएंगे. ओके, फिर हम ऐसे जैसे पेन का होता है ना, और इधर हम थोड़ा डार्क कर देंगे. ओके, इधर शार्प बना देंगे ऐसे. सो रेडी दिस पेन. और पेन क्या यूज़ होती है? लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है ना. देन विच वर्ड इज दिस? नेक्स्ट वर्ड टी ई एन, टेन. टेन, यू नो व्हाट? टेन नंबर, 1 0 10. जो नंबर्स में आता है, हम मैथ्स में बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टी ई एन, टेन. रिपीट आफ्टर मी, टी ई एन, टेन. सो स्टार्ट करें. फर्स्ट हम स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बिग लाइन ड्रॉ करेंगे स्टैंडिंग लाइन. फिर इधर से हम स्लिपिंग लाइन कर देंगे. ओके, फिर ये स्लैंटिंग, और इधर से हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं. फिर इसको जोड़ देते हैं, और इधर जो ये गैप है उसमें क्या करना है, हम लोग ये साइड से और ये साइड से स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करके उसको बॉक्स बंद कर देंगे. ओके, देन ड्रॉ द ज़ीरो. ऐसे कर्व बना करके हमें ज़ीरो ड्रॉ कर देना है. ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट. विच वर्ड इज दिस बच्चों? नेट, एन ई टी, नेट. सो हाउ टू ड्रॉ नेट? तो बच्चों हम नेट कैसे ड्रॉ करने वाले हैं? लेट्स सी न्यू ट्रिक. मैं आपको न्यू ट्रिक दिखाती हूँ. एन फॉर नेट होता है ना, हमने कैपिटल अल्फाबेट्स भी करे थे. तो हम फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? एन. ओके, ये आपने लिखा बच्चों एन. फिर उसके बाद हम ऐसे सर्कल में बना देंगे, और इधर से हम लंबी लाइन खींचने वाले हैं ऐसे जोड़ते हुए. ओके, फिर इधर से हम वापस ऐसा बना करके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ओके, रेडी. फिर नीचे से जो ये स्टैंडिंग लाइन है उसको हम ऐसे जोड़ेंगे. रेडी. फिर ये स्लैंटिंग लाइन के बाजू में ही दूसरी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा कर करके हम जो उसके नियर, उसके आसपास हम ऐसे स्लैंटिंग लाइन में ड्रॉ कर देते हैं. फिर ये लाइन क्रॉस लाइन, ड्रॉ द क्रॉस लाइन, ड्रॉ द क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन. ओके, स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं. ओके, सो रेडी. विच पिक्चर इज दिस? ये नेट कब बन गया पता भी नहीं चला ना बच्चों, वैसे ही हम ये नेट बना दिया. ओके, देन नेक्स्ट, विच वर्ड इज दिस? एग.
सो हाउ टू ड्रॉ एन एग? क्विक एंड ईजी. नाउ लेट्स ड्रॉ टुगेदर स्लोली स्लोली. फर्स्ट हम कर्व ड्रॉ करने वाले हैं आर. फिर इधर से वापस हम लेकर के ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ओके रेडी. फिर इधर हम ग्रास ड्रॉ करने वाले हैं. ऐसा जो ग्रास होता है ओके आपको दिख रहा है ना ग्रास ड्रॉ कैसे कर रहे हैं टीचर? देखो यू नो व्हाट, ये ड्राइंग जो है ना वो बहुत अच्छी हॉबी होती है. ऐसे करके जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसे देखो टीचर के ऐसे कैसे हाथ ऐसे ग्रास के ऊपर, देखो ग्रास कैसे ड्रॉ हो रहा है. ओके देन फाइनली एग ड्रॉ हो गए. देन नेक्स्ट विच वर्ड इज दिस? एंड नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू ई बी वेब. सी दिस हाउ टू ड्रॉ स्पाइडर वेब. इसमें स्पाइडर रहता है ना वेब में. शो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन. ऐसे हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर करेंगे स्लीपिंग लाइन. फिर इसको क्रॉस करते हुए स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे. फिर इधर से क्रॉस करते हुए हम वापस स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके सो रेडी. स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लेंटिंग एंड स्लेंटिंग. ओके फिर हम क्या करते हैं इधर ऐसे हमने कर्व सीखा था ना नर्सरी में जूनियर में, वैसे ही हम ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे. लेकिन याद रहे कि ये जो लाइन है वो बाहर थोड़ी थोड़ी बचनी चाहिए. ओके कर्व वापस हम ऐसे कर्व कर देंगे इसको जोड़ते हुए. जॉइनिंग बाय स्लिपिंग लाइन, जॉइनिंग बाय स्लैंटिंग लाइन, जॉइनिंग बाय स्टैंडिंग लाइन. सो रेडी दिस वेब. एंड देन नेक्स्ट रिपीट वैसे ही हम करेंगे लेकिन इसके अंदर ड्रॉ करना है. और देखो ये टीचर ने आपको स्लोली स्लोली करना है. फिर थर्ड टाइम वापस हम छोटा सा बीच में ड्रॉ कर देंगे. और ये रेडी हो गया है आपका वेब. सो इसमें स्पाइडर रहते. अगर आपको ऐसा वेब ड्रॉ करना नहीं आता है तो फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है, हमें स्टैंडिंग टीचर ने दिखाया ना स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, बस उसके सपोर्ट से हम ऐसे कर्व करते जाएंगे. ओके देन नेक्स्ट वन लेग, एल ई जी लेग. सो स्टार्ट विथ मी. फर्स्ट ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन. फिर इधर से हाँ इसके टो ड्रॉ करने वाले हैं. टीचर कैसे कर रहे हैं वो देख देख के करो. वापस हम इधर से ड्रॉ करते हैं. फिट ओके तो हो गया ना बच्चों. ओके सो रेडी दिस पिक्चर लेग. देन विच वर्ड इज दिस? हैन, एच ई एन हैन. सो स्टार्ट विथ मी. फर्स्ट हम ऐसे करके ओके इधर तक किया आपने. फिर इधर से वापस हम ड्रॉ द अप एंड फिर वन टू और ये थोड़ा सा ऐसा करके थ्री. ओके रेडी. फिर ऐसे ड्रॉ कर दो ट्रायंगल. फिर इधर से हम लेके जाएंगे और इसको जोड़ने वाले है ऐसे. ओके फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे इधर बीच में जो इसका पंख जैसा होता है वो. फिर हम ड्रॉ करेंगे आइस राइट.
फिर इसको हम डार्क कर देंगे, इसे क्लोज करके हम डार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर से इसे ड्रॉ करते हैं, इसमें हम रेड कलर भी कर सकते हैं ऐसे, ओके। फिर इसका लेग ड्रॉ करने वाले हैं। बच्चा आप लोगों ने हैंड तो देखा ही है ना, ऐसे ओके। रेडी दिस हैंड, देन नेक्स्ट इज BED बेड, ओके। सो स्टार्ट विथ मी, फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ऐसे रेक्टेंगल, कर दिया आपने रेक्टेंगल ड्रॉ, फिर उसके बाद ऐसे स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, draw the up slanting line, okay? फिर हम इधर से वापस ऐसे ही draw करेंगे, इसको इसे जोड़ देते हैं, फिर ऐसे बना दो, फिर ये स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन में, और इसको इधर से स्लिपिंग लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, देन दिस पिलो, ओके। सो रेडी बेड। अगर ये सब ड्राइंग अपने आप खुद ही आपको ड्रॉ करना है, मम्मा पापा के पास नहीं करवाना है, आप बच्चों खुद ड्रॉ करना, जिसे टीचर ने दिखाया है इस वीडियो में वैसे ही आपको सेम एज करना है, और ये स्पेलिंग भी हमें लर्न करनी है, इंग्लिश नोटबुक में इसे लिख करके हमें ड्रॉ करना है, और पिक्चर ड्रॉ करना है, और हमें लगातार रफ बुक में भी 4-5 times ऐसे ड्रॉ करके स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस करते रहना है, ओके। सो रेडी, तो आपको ये करना है होमवर्क, ओके बाय, थैंक यू।